विलासपुर गांव के पास ही फुटपाथ पर सरला नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। सरला आते जाते मुसाफिरों से भीख मांगकर जैसे तैसे करके अपना गुजारा करती थी। हर बार की तरह एक दिन बूढ़ी औरत आते जाते मुसाफिरों से भीख मांग रही थी। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों है? मुझ बूढ़ी औरत को क्या देख नहीं पा रहे हो? बेटा, मैं कल से भूखी हूँ, मुझे थोड़ा पैसा दे दो। तभी सरला की बात सुनकर सुरेश नाम का एक इंसान पास आकर एक रुपया देता है। अरे ओ बूढ़ी माँ जी, आते जाते लोगों को डिस्टर्ब करती रहती हो, एक फुटपाथ में रहने से अच्छा आप अपने घर चले जाओ। तुम यहाँ बैठकर इतनी जोर जोर से गला फाड़ती रहती हो, तुम्हारी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए यहाँ से दूसरी जगह पर जाकर भीख मांगा करो। अरे बेटा, एक देकर तुम तो 100 की बात कर रहे हो। अगर तुम्हें इतनी परेशानी होती है, तुम दूसरे रास्ते से जाया करो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, चुपचाप यहाँ से जाओ और अपना काम करो। सूरज सरला की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और चुपचाप कुछ कहे बगैर ही वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। इधर सरला भी फिर से भीख मांगने लग जाती है। ऐसे ही सरला फुटपाथ पर बैठकर आते जाते लोगों को परेशान करती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और सर्दी पड़ जाती है। सरला को फुटपाथ पर रहने पर बहुत मुश्किल हो रही थी और ठंड के मारे सरला की तबीयत भी खराब होने लगती है। अरे माइया रे, ठंड से तो मेरा पूरा बदन अकड़ जा रहा है। ये कमबख्त गांव वाले 1,000 बार 10 काम करने के लिए इधर उधर से उधार कर रहे हैं, पर फुटपाथ के पास ये बूढ़ी औरत पड़ी हुई है, इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। सच में ये लोग बहुत ही निर्दयी इंसान हैं। बूढ़ी गांव वालों का उसके ऊपर ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुखी रहती है और आते जाते लोगों को उसकी मदद करने के लिए बोलती रहती है। मदन नाम का एक इंसान बहुत सारी कंबल अपनी साइकिल पर लेकर गांव की तरफ बेचने के लिए जाने लगता है। बूढ़ी सरला मदन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी तरफ जाने लगती है। इधर मदन भी साइकिल पर कंबल बेच रहा था। अरे भाइयों और बहनों, कंबल ले लो, कंबल बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट है। अगर एक बार इस कंबल को ओढ़कर सो गए तो जिंदगी भर इसको छोड़कर सोने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और ये ऐसा वैसा कंबल नहीं है, ये कश्मीर का कंबल है। मदन चिल्ला चिल्ला कर सड़क के पास कंबल बेचने लगता है। तभी उसी समय सरला मदन के पास जाकर कहने लगती है, अरे बेटा, सच में तुम्हारा कंबल तो बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है, एक कंबल मुझे भी दे दो। ठंड के मारे मेरा बहुत बुरा हाल है, ये सर्दी तो मेरी जान लेकर ही जाएगी। अरे माँ जी, आप इतनी टेंशन क्यों लेती है? मेरा कंबल है ना, आपकी सारी सर्दी एक झटके में दूर कर देगा। ये लीजिए कंबल, इसका दाम बस 1,000 रुपया है। सरला मदन के मुंह से कंबल का दाम सुनते ही हक्की बक्की रह जाती है। अरे बेटा, मैं एक भिखारन हूँ, 1,000 तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई नहीं है। बेटा, ये कंबल तुम मुझे मुफ्त में दे दो, देखना तुम्हारी सारी कंबल कुछ ही समय में बिक जाएगी। अरे ओ बूढ़ी माँ, क्या मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी महंगी कंबल आपको मुफ्त में दे दूँ? चुपचाप यहाँ से जाओ और अपना रास्ता देखो। अगर तुम सर्दी से मरती हो तो मरो, मुझे क्या, जाओ भागो यहाँ से। सरला धीरे धीरे मदन के पास से कंबल उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी मदन सरला को कंबल उठाकर भागता देख जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ओ करमजली बुढ़िया, तेरा सत्यानाश हो, कीड़े पड़े तुझ पर, मेरी इतनी कीमती कंबल लेकर भाग रही है। रुक, तू रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। मदन ये कहकर सरला के पीछे भागता रहता है, पर सरला बूढ़ी होने के कारण ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती और मदन उसे पकड़ लेता है। क्यों रे करमजली बुढ़िया, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? तू 60 साल की बुढ़िया और मैं हट्टा कट्टा जवान,
मुझसे बचकर तू कैसे भाग सकती है। मदन ये कहकर सरला को चोरी के इल्जाम में मारने लगता है। कुछ देर तक सरला को मारने के बाद मदन अपनी कंबल वाली साइकिल लेकर वहां से किसी दूसरी जगह पर कंबल बेचने लगता है। इधर सरला जख्मी हालत में जैसे तैसे करके सड़क के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी फूटी किस्मत पर रोने लगती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, एक बूढ़ी औरत को इतनी तकलीफ पर देखने के बाद भी किसी को मुझ पर दया नहीं होती, और अगर तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ करो तो वो तुम्हें मार कर चले जाते हैं। सच में गरीब लोगों के मदद के लिए भगवान नहीं होते। ऐसे ही सर्दी में कपकपाती हुई सरला फुटपाथ पर दम तोड़ देती है। ही हा 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 हा। अब मैं लाचार बुढ़िया सरला नहीं हूँ, अब मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मैं इन गांव वालों को और उस करमजले मदन को सबक सिखाऊंगी। उन लोगों ने इस सर्दी के वक्त मेरी मदद करने के बजाय मुझे परेशान किया, अब मैं एक एक करके सबसे बदला लूंगी। दूसरे दिन मदन हर बार की तरह साइकिल पर बहुत सारा कंबल लाद कर बेचने के लिए सड़क के किनारे खड़ा रहता है। मदन हर रोज की तरह चिल्ला चिल्ला कर कंबल बेच रहा था। तभी अचानक मदन के साइकिल से सारे कंबल गायब हो जाती हैं। अरे मैया रे, ये कैसा काला जादू है, मेरे सारे कंबल कहाँ गायब हो गए। लगता है भूतों को भी सर्दी लग गई है। हे भगवान, मुझे मेरे कंबल वापस दे दो, नहीं तो मैं लूट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मदन भगवान से ये कहकर विनती करता रहता है। तभी सरला की चुड़ैल मदन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। क्यों रे नास पीटे करमजले गेंदे जैसी शकल वाले इंसान, तुझसे एक कंबल लिया था तो तू पागल हो गया था, अब तो भगवान ने तेरा सारा कंबल गायब कर दिया, अब तो तुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। चल तेरी ख्वाहिश मैं ही पूरी कर देती हूँ, तू भी क्या याद करेगा। मदन चुड़ैल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और डर के मारे चुड़ैल से कहने लगता है। अरे ओ चुड़ैल बहन जी, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप अगर चाहें मैं आपके बेटा बेटी और आपके सारे सगे संबंधियों के लिए भी कंबल दे दूंगा, आप मुझे बख्श दीजिए। मदन ये कहकर चुड़ैल से बचने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, पर चुड़ैल किसी भी कीमत पर मदन की एक भी बात नहीं सुनती और गला दबाकर उसे मार देती है। सरला मदन को मारने के बाद वहां से सीधा गांव की तरफ चली जाती है और एक एक करके गांव वालों को मारने लगती है। गांव में सबकी मौत होता देख गांव का एक लड़का विकास अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए गांव से सीधा एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और बाबा के पास जाकर कहता है, तांत्रिक बाबा, हमारे गांव में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है, न जाने गांव में क्या हो रहा है, हर रोज गांव के लोगों की गांव के चौराहे में लाश मिल रही है। बाबा जी आप कुछ कीजिए, नहीं तो सिर्फ गांव रह जाएगा और गांव वाले शमशान घाट पहुंच जाएंगे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः, सकल कबुम बुम नमः, ओम फट स्वाहा। बच्चा तू इतनी टेंशन क्यों लेता है, चिल कर और देखो मैं तुम लोगों की गांव की समस्या एक झटके में कैसे दूर करता हूँ। तांत्रिक बाबा ये कहकर मन ही मन मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद देखते हैं उनके सामने भयानक शक्ल वाली सरला चुड़ैल खड़ी है। क्यों रे तांत्रिक, तुझे मेरी क्या जरूरत पड़ गई, जो तू अपने मंत्र के बंधन से मुझे खींचकर यहाँ ले आया। तुझे जो भी कहना है थोड़ा जल्दी कर, अभी पूरे गांव वालों को खत्म करने के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। अरे ओ बुढ़िया चुड़ैल, तुझे क्या मुझे देखकर थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा, मैं तुझे यहाँ टहलने नहीं तेरा काम तमाम करने के लिए लेकर आया हूँ। अगर तू अपनी भलाई चाहती है तो चुपचाप ये गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जा, नहीं तो तुझे भस्म करना मेरे बाएं हाथ का काम है। अरे ओ बूढ़े तांत्रिक, तू अपनी नसीहत तो अपने पास ही रख,
मैं जब जिंदा थी तब इन गांव वालों ने मुझ बूढ़ी औरत पर कौन सा दया किया था जो मैं आज इन लोगों पर दया करूंगी? जब तक मैं पूरे गांव को सफा चट नहीं कर देती मुझे चैन नहीं मिलेगा। चुड़ैल तांत्रिक बाबा को ये कहकर वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। उसी समय तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों के बंधन से चुड़ैल को अपने पास कैद कर लेते हैं। सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, पर इसके लिए तुम सभी गांव वालों को दोष नहीं दे सकती। तुम्हारी जिंदगी सच में बहुत तकलीफ के साथ गुजरी थी, इसलिए मैं तुम्हारी आत्मा को इस तरह भटकने नहीं दूंगा। मैं बहुत जल्द ही तुम्हारी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को ये कहकर एक बोतल में बंद करके अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद तांत्रिक बाबा विकास से कहते हैं, बेटा इतने सालों से तुम लोगों ने उस फुटपाथ की बूढ़ी पर अत्याचार किया और जब वो तुम लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ी तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए मेरे पास आ गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर तुम किसी का भला करोगे तो भगवान भी तुम्हारा भला करेगा। विकास को तांत्रिक बाबा की बात समझ आती है और वो तांत्रिक बाबा से आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ जाता है।